हेलो गुड मॉर्निंग, अच्छी गुड मॉर्निंग, बढ़िया गुड मॉर्निंग। सपना की भी अच्छी गुड मॉर्निंग, बढ़िया गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं। और अच्छा लगता है मुझे सपना को देख के कि ज़िंदगी देखिए धीरे धीरे पटरी पे आ जाती है। कोई भी चीज़ भूलती तो हमेशा नहीं है, लेकिन साइड में रख दी जाती है इसलिए कि ज़िंदगी जीने के लिए, बच्चों की तरफ ध्यान देने के लिए। जी, लखनीत आए, लखन आए, बहुत अच्छा लगा। देखिए खून के रिश्तों से अच्छे गैर होते हैं, खून के रिश्ते। क्यों कहते हैं ना, खून के रिश्ते खून के होते हैं, ठीक है वो बात भी, लेकिन उनसे अच्छे गैर होते हैं जो कम से कम टाइम के साथ में तो खड़े हो जाते हैं। या फिर कौन होता है खून के रिश्तों में, अगर कोई होता है तो वो अपनी माँ होती है, जो माँ नहीं छोड़ सकती। एक तरफ खून के रिश्ते भी हैं सपना के साथ, और एक तरफ बाहर के रिश्ते भी हैं, खून के रिश्ते भी साथ दे रहे हैं जो उसकी माँ है, उसके भाई हैं। और एक तरफ धर्म के रिश्ते भी हैं जो धर्म से होते हैं। कहते हैं खून के रिश्तों से ज़्यादा धर्म का रिश्ता होता है, धर्म का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। जी हाँ, जो लखन का और सपना का है। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लखन के आने का मोटिव क्या था? लखन के आने का मोटिव ये था कि वो सपना को खुश, उसे लगे कि हाँ मेरे साथ है। जब कोई आदमी ऐसा, ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम में अगर कोई अपने साथ प्यार से भी बोल लेता है तो ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना है। साथ देना तो बहुत बड़ी बात है, और यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखिए ऐसा नहीं है कि बोलने से ही, उससे ज़्यादा समझदार लखन की वाइफ है। जी हाँ, बात यह है, सबने कहा कि लखन आए तभी ये ऐसा हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। जी नहीं, ये लड़ाई झगड़ा बहुत टाइम से चल रहा था इसके सास ससुर की, सपना संभाले हुए थी, सपना ने संभाल के रख रखा था। अब जब लखन आया तो उन्हें लगा कि अरे हमने मैके वालों को तो हम मना कर दिया है, लेकिन इसके तो अब और लोग भी आने लगे, क्योंकि घर की पोल बाहर जाएगी। जो इसका ससुर है बहुत तेज इंसान है वो, बहुत ज़्यादा। देखिए मैं सपना ने कितने निभाने की कोशिश करी अपने से, आपको बताऊं, जब इसके हस्बैंड ख़त्म हुए थे सपना के, तो बर्थडे मना ली थी इसके भाई ने मैके में, केक काट लिया था। इस बात पे सास ससुर ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया था कि अभी ख़त्म हुए कितने दिन हुए हैं और तेरे घर में वहाँ पे केक काट लिया। तो सपना ने बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर दिया था, बोल चाल बंद कर दी थी, आना जाना बंद कर दिया था, बिल्कुल नहीं बोलती थी, ना आती थी, ना जाती थी, ना बोलती थी। तुम्हारी वजह से, अपने ससुराल की वजह से कि मेरे हस्बैंड को ख़त्म हुए कुछ ही टाइम हुआ, वहाँ उन्होंने बर्थडे मना ली, इस बात पर उसने बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर दिया था। तो आप बताइए उसने कितना निभाने की कोशिश करी। जो लोग कमेंट करते हैं ना कि बुढ़े बुढ़िया को देखो, उनका देखो, अरे उनके बारे में भी तो सोचो, मेरे पास कमेंट आते हैं, उन्हें भी तो कुछ कहो, तो उन्हें क्या कहें, उनकी सपना ने कितना निभाने की सोची। लेकिन इन्हों के कहने के बावजूद इन्होंने ही कहा कि जाओ रखो, बोलो, चलो फ़ोन करो अपनी मम्मी को, बातचीत करो। तब सपना ने किया, तब सपना बोली, तब सपना ने आना जाना शुरू करा इनके कहने के अनुसार, इनके कहने के बावजूद। अब बात आती निकलने की, वो निकलना उसका मजबूरी था भाई, जाना उसका मजबूरी था। इन्होंने अंशु को हटा दिया, और अंशु को हटाने का मतलब वो अकेली नहीं रह सकती थी वहाँ पे। मैं बार बार नहीं कहूँगी ये बात, समझदार हो आप लोग, वो अकेली नहीं रह सकती थी, और ना रहने की वजह से ही वो आ गई। अब नहीं होता, 6 महीने बाद होता, क्योंकि ये इसके सास ससुर के दिमाग में था, उन्हें प्रॉपर्टी भी आनी थी, प्रॉपर्टी की वजह से निकाला है। जी हाँ, किसी को आने नहीं देना चाहते थे, हर बार हर टाइम वो घुट घुट के जी रही थी वहाँ। कम से कम यहाँ एक ही दर्द है कि कुछ मिला नहीं, एक दर्द तो दिया है उसे भगवान ने। देखिए जो भगवान अगर तकलीफ देता है तो उस पर तो इंसान का बस नहीं चलता, सोच लेता है कि भगवान ने दी क्या करें, लेकिन जो इंसान देते हैं ना तकलीफ, उन पर तो इंसानों का बस चलता है। वो तकलीफ़ सहन नहीं होती, बड़ी तकलीफ़ होती है। भगवान के दिए पे तो आदमी सब्र कर लेता है कि भगवान ने दिया, शायद ये हमारे नसीब में लिखा था, लेकिन जो इंसान तकलीफ देते हैं, सपना को तो इंसानों ने भी तकलीफ दी, और उसके उन्होंने दिए जो अपने थे, जहाँ ब्याह के लाए थे, वो एक बारात लेके गए थे और ब्याह के लेके आए थे, और उस परिवार के, उस खानदान के 2 बच्चे सपना के पास हैं, उसके बावजूद भी उसे वाह वही वाह सासू माँ तुम्हारा बहुत अच्छा, ठीक है तुम्हारे 2 बेटे गए हैं, बहुत बड़ा दर्द है, समझते हैं बहुत बड़ा दर्द है। बाकी में भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करना, किसी माँ के दुश्मन की भी माँ होगी उसके साथ ऐसा मत करना, लेकिन तुम्हारे मैके वाले आए तो बहुत अच्छी बात। तुम्हारे मैके वाले तुम्हें सजेस्ट करें तो उस पर 100% आपको फॉलो करना है। सपना के मैके वाले हैं तो आप सीधे वो बात भी नहीं करते उनसे। अरे वो सीधे ही तो हैं, अगर वो सीधे नहीं होते वो लड़की इतना थोड़ी सहन कर लेती। जी हाँ, और कितने मतलब भाई बहन के रिश्ते पर लाचन लगा देते हैं लोग, वो शायद गंदे होते हैं, उन्होंने ऐसा ही अपनी लाइफ में देखा होगा,
या कभी किसी से धर्म का रिश्ता बनाया नहीं होगा। जो धर्म के रिश्ते पे लांछन लगा देते हैं वो गंदे होते हैं, उनकी मेंटलिटी गंदी होती है, सोच गंदी होती है। जी हाँ, अंशु ने वीडियो बनाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो बच्ची क्या कर सकती, मैंने कहा ना वो माँ बापों के साथ है, नहीं आ सकती, नहीं रख सकती। वो अगर कहेंगे सपना से बात नहीं करनी तो शायद वो बात भी नहीं करेगी, क्योंकि वो उनके साथ है भाई, अभी बच्ची है, वो क्या कर सकती है। बहुत अच्छा लगा वो वीडियो बनाई, हो सकता है वीडियो के जरिए ही कोई बात निकलेगी, कोई बात करेगी। जी हाँ, लेकिन एक दिल से अटैचमेंट है अंशु के साथ, कोई बात नहीं। देखिए हर चीज़ में, हर उसमें आपका एक हिस्सा होता है। कहते ना कि आपने खाना घर पे खाना बनाया, ठीक है, आप खाना नहीं खा पाते और किसी और के जाते हैं, आपको यकीन भी नहीं होता, उसे पता भी नहीं होता कि आज मैंने ये बनाया और वो आके मेरे घर में खा के चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। आप कहती थी मैं अंशु के साथ ये करूँगी, अंशु के लिए ये करूँगी, मेरी 3 बेटियाँ हैं, शायद हो सकता है अंशु के नसीब में नहीं लिखा, अंशु के उसमें नहीं हो। और जितना जिसके लिए लिखा होता है वो लेके ही रहता है, हर हाल में लेता है, किसी भी सूरत से ले लेता है। तो आप सपना ये सोचो, आप जो सोच रही हो ना कि बच्चों को कुछ नहीं दिया, आप ये सोचो कि उस चीज़ में मेरा था ही नहीं, मेरा जो नसीब है, मेरा जो लिखा है वो मेरी अपनी मेहनत लिखी है, अपने आप करना लिखा है, जैसे मेरा है, मेरे नसीब में भी कुछ नहीं था, जो भी कुछ किया वो मैंने अपने मेहनत से किया, अपने आप किया। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे नसीब, मुझे जो लिख के दिया था ऊपर वाले ने, ये कहा था कि जो भी तुझे करना है वो तुझे करना है और किसी का तुझे लेना नहीं है। तो ऐसा ही सपना तुम सोचो, और जो तुमने दिया है कमा के, सोच लो वो तुमने बच्चों के ऊपर से निछावर करके दे दिया। क्योंकि कहते ना कि पैसे से भला चली, अगर आप किसी का ज़बरदस्ती लोगी, कुछ करोगी, तो हो सकता है वो गलत जगह लग जाए। सब्र जो होता है बहुत बड़ा होता है, सब्र का प्याला बहुत बड़ा होता है, और उसका जो रिटर्न मिलता है ना, आप सोच भी नहीं पाते कि कैसा रिटर्न मिलता है। जी हाँ, तो अंशु ने फिर कहूँगी कि अंशु ने वीडियो बनाई, अच्छी लगी, अंशु बेटा ऐसे ही वीडियो बनाना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा मोटिवेट कर देती हूँ मैं उसे, वो शायद मेरी वीडियो देखती होगी, उसे मोटिवेशन मिलता है। और देखिए सही रास्ता दिखाना चाहिए, मैं तो आप भी थी बताती हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, वो रोती है तो मुझे भी रोना आता है, ऐसी बात। तो मैंने कहा आंसू पोंछ लो, बिल्कुल रोना मत, ये सोच लो कि हाँ शायद मुझे यही करना है। और वक्त होता है हर चीज़ का, बिना वक्त के कोई चीज़ नहीं होती, यही टाइम था जो तुम्हें निकलना था, शायद तुम्हारे नसीब में उनका नहीं लिखा, कोई बात नहीं। और कुछ नहीं होता तब भी तो लोग करते हैं ना, सब कुछ हो जाता है, लूट जाता है, चोरी हो जाती है, बर्बाद हो जाता है, तब भी तो लोग सकते हैं। सोच लो तुम्हारी तो दुनिया से तुम्हारे सब कुछ चला गया, पैसा क्या मायने रखता है, भगवान तुम्हें बहुत देगा, देख सकते। ठीक है, फिर मिलते हैं, है ना, पसंद आए तो लाइक कर देना, है ना, बस। और मैं यही कहूँगी सपना, बच्चों के लिए, बच्चों की तरफ देखोगे ना, धीरे 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 सब सही हो जाएगा, लेकिन उनकी बात करना बंद कर दो। जितना उधर घुसोगे उतना तुम्हें तकलीफ होगी, जितना पास में जाओगे उतना तुम्हें तकलीफ होगी, सामने देखो, पीछे मत देखो। सामने देखोगी तो तुम्हें सामने बच्चों का भविष्य दिखाई देगा, तुम्हारा, तुम्हें अपना दिखाई देगा। ठीक है, ओके, बाय।